नमस्कार लोको आदि के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं शिल्पा पाठक और आई सबसे पहले शुरुआत अब तक के सुर्खियों पर। सरायकेला जिले के नीमडी थाना अंतर्गत NH-32 के फितकी गांव में पिकअप वैन 30 फीट से गड्ढे से गिरने से 2 की मौत, 4 गंभीर रूप से हुए घायल। कोल्हान के आयुक्त विजय कुमार ने जिला उपायुक्त कार्यालय सभागार में किसान से संबंधित योजनाओं को लेकर की बैठक। झारखंड के काशी विधानसभा चुनाव बहुजन क्रांति मोर्चा 25 सीटों पर उतारेगी अपने प्रत्याशी, इसकी घोषणा प्रदेश महासचिव प्रताप कुमार यादव ने की। और बिजली विभाग के ध्यान आकर्षित कराने को लेकर गोविंदपुर इलाके के छोटे छोटे बच्चों ने बिजली सब स्टेशन के समीप दीपक जलाकर की पढ़ाई। और अब खबर विस्तार से। सरायकेला जिले के नीमडी थाना अंतर्गत NH-32 स्थित फितकी गांव के समीप पिकअप वैन ओवरटेक करने के दौरान अनियंत्रित होकर 30 फीट गड्ढे में जा गिरी। इसके पिकअप वैन में सवार 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि इसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को चांडिल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के बाद जमशेदपुर के एमजे अस्पताल रेफर कर दिया गया। मृतकों की पहचान चांडिल के शिवलायक सिंह और सनी के बद्रीनाथ दत्ता के रूप में हुई है। वहीं जानकारी के मुताबिक सभी लोग पिकअप वैन से सब्जी लाने नीमडी जा रहे थे और सब्जी विक्रेता थे। वहीं घटना की सूचना मिलते ही ईचागढ़ विधायक साधुचरण महतो चांडिल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, मृतकों के परिजनों से मिले और साथ ही उनकी जायजा लिया। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सरायकेला सदर अस्पताल भेज दिया है। के पास प्रिया होटल के पास मालूम हुआ कि वहाँ एक्सीडेंट हुआ है। हम लोग वहाँ से हॉस्पिटल आए हैं पोस्टमार्टम के लिए, हम लोग भेज रहे हैं। वो बद्री नाथ दत्ता है, एगो शिव लाल सिंह, 2 आदमी का नाम आ रहा है। रंग के जख्मी है, वो लोग गया है, रेफर किया गया है। कोल्हान के आयुक्त विजय कुमार गुरुवार को जमशेदपुर शहर पहुंचे हैं। जी हां, जहां उन्होंने किसानों से संबंधित 2 योजनाओं को लेकर बैठक की। जिले के उपायुक्त, ADC, जिला कृषि पदाधिकारी समेत तमाम अधिकारी इस बैठक में शामिल हुए। मुख्य रूप से प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना तथा मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना की समीक्षा इस बैठक के दौरान की गई। आगामी दिनों में किसानों के द्वारा खरीफ के फसल की खेती की जाएगी, जिससे पूर्व इस योजनाओं के लिए किसानों को उनका लाभ मिल सके। इसको लेकर प्रत्येक प्रमंडल स्तर पर आयुक्त की जिम्मेवारी सौंपी गई है और उसी के अंतर्गत ये बैठक संपन्न हुई। कोल्हान आयुक्त ने बातचीत के क्रम में कहा कि पूरे प्रमंडल में ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी किसान इस योजना से अछूता ना रहे और उनका फसल बेहतर से बेहतर तैयार हो सके। राज्य सरकार के निर्देशानुसार प्रमंडलीय आयुक्त को यह दायित्व दिया गया है, मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना एवं प्रधानमंत्री सम्मान योजना के लिए प्रमंडलीय आयुक्त 15 दिन में एक बैठक सारे केसेस के साथ करेंगे और रिव्यू करके सरकार को अवगत कराएंगे काम ठीक से हो रहा है या नहीं, या यदि कोई ऐसी जरूरत है जो सरकार के स्तर पर पहुंचाने की है उसको अपने रिपोर्ट में देंगे। और जैसा मैं अभी डिस्कस किया डीसी साहब के साथ, तो एक दो ऐसा पॉइंट है जो सरकार स्तर का है उसको अपने रिपोर्ट में लिखूंगा कि उसको इंक्लूड किया जाए ताकि ये और भी अच्छी तरह से हो जाए। और जो सरकार का व्यू है, भारत सरकार या राज्य सरकार का, कि 2022 तक हम लोग किसानों का डबल कर पाए, तो उसमें बहुत ही सहूलियत होगी। ये दो योजनाएं हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको ये पता है कि 24 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है और मेरी बहुत बहुत शुभकामना कि यहाँ अच्छा से हो रहा है और भी अच्छा हो, ताकि यहाँ के लोग और किसान खासकर उन्नत हो सके, ज़्यादा अपनी खेती की पैदावार बढ़ा सके और विकास की राह पर ये हमारा जो ग्रामीण क्षेत्र है और भी आगे बढ़ सके। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर आज जहां एक तरफ सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, वहीं बहुजन क्रांति मोर्चा 25 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी, जिसकी घोषणा जमशेदपुर संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर की गई। वहीं कोल्हान के सभी सीटों पर पार्टी अपना उम्मीदवार उतारेगी और जिसमें से कुछ उम्मीदवारों का चयन कर लिया गया है। साक्षी से बहुजन क्रांति मोर्चा कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन का आयोजन कर 5 उम्मीदवार की घोषणा की गई, जहां पूरे विधानसभा से
राज्य के मुख्यमंत्री अमर दास के खिलाफ बहुजन क्रांति मोर्चा के प्रत्याशी प्रताप कुमार यादव को मैदान में उतारा गया है। वहीं पार्टी पूरे राज्य में 25 सीट पर अपनी किस्मत आजमाने के लिए चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी करी है। जब मीडिया से बातचीत क्रम में पार्टी के प्रदेश महासचिव प्रताप कुमार यादव ने कहा कि कई सेक्युलर पार्टियों के लिए गठबंधन को लेकर विचार विमर्श किया जा रहा है, जहां पार्टी के सभी बड़े नेता अन्य राजनीतिक दल के नेताओं के संपर्क में है। वहीं राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य और मालिकाना हक जैसे मुद्दों को लेकर पार्टी चुनावी मैदान में उतरेगी। और बहुजन क्रांति मोर्चा जो संगठन है, हम लोगों ने डिसाइड किया है, कुछ दिन पहले हमारी रांची में कार्य समिति की बैठक भी हुई और उसमें यह डिसीजन लिया गया कि हम झारखंड के 25 विधानसभा सीटों में चुनाव लड़ेंगे और जितने भी गरीब, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक को का जो हक और अधिकार की लड़ाई है उसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे और अपना प्रतिनिधित्व जो है झारखंड विधानसभा में भेजेंगे। इसके साथ साथ हमने ये भी डिसाइड किया है कि इन 25 सीटों में जो भी ऐसे दल हैं जो सेक्युलर विचारधारा से हैं और जो भी ऐसे दल हैं जो सारे गरीब, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यकों का उनका प्रतिनिधित्व, संख्या के अधिकार पर प्रतिनिधित्व देना चाहते हैं, उनके साथ हम गठबंधन भी करेंगे और गठबंधन करके अपने प्रत्याशी को जिताकर हम विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। और इसके साथ साथ हमारा एक जो महत्वपूर्ण डिमांड रहेगा वो ये रहेगा, महत्वपूर्ण मुद्दा हमारा ये है कि झारखंड में जो 81 सीटें हैं उसको बढ़ाकर कम से कम 130 सीटें की जाए, ताकि जितने भी हमारे जनसंख्या के आधार पर अलग अलग जो समाज के लोग हैं उनको हक और अधिकार मिल सके और उनका प्रतिनिधित्व जो है विधानसभा में जा सके। कुल्हान में सारी सीटों पर लड़ रहे हैं हम लोग। जमशेदपुर बिजली ने लोगों को और रुला रखा है। जी हाँ, 24 घंटे मात्र 5 से 6 घंटा ही बिजली लोगों को प्राप्त हो रहा है और वह भी रुक रुक कर हो रहा है। सबसे बड़ी परेशानी उन बच्चों को हो रहा है जो स्कूल जाते हैं। विद्यार्थियों की इस परेशानी पर ना बिजली विभाग ध्यान दे रही है और ना ही स्थानीय प्रशासन। वैसे गोविंदपुर के छोटे छोटे बच्चों ने आज बिजली सब स्टेशन के समीप दीपक जलाकर पढ़ाई की और अनोखा तरीका से प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व युवा कांग्रेसियों ने किया। बिजली की इस गंभीर समस्या से लोगों को निजात कैसे मिली, इसको लेकर राज्य के खाद्य आपूर्ति मंत्री सरिराय और पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता ने भी बिस्टुपुर स्थित बिजली विभाग के जीएम कार्यालय का घेराव प्रदर्शन किया। लेकिन हालात ऐसे हैं कि आम लोग गुस्से में आ गए हैं और गुस्सा ऐसा है कि लोग सड़क पर दिखने लगे है। एक महीना से गोविंदपुर की जनता त्रस्त है। बिरसा नगर आप देखिए, जो बेड़ा, गोविंदपुर सब डिवीजन से जितने भी फीडर से जुड़े हुए हैं, हम लोग बहुत दिन से मांग कर रहे हैं कि भैया बिजली भैया, हद तो तब हो गई कि कल रात भर बिजली नहीं रही और आज सुबह से गोविंदपुर में बिजली नहीं है। अभी भी आप देख सकते हैं बिजली नहीं है। गोविंदपुर की जनता त्रस्त है, बिजली के चलते पानी से जुड़ी हुई हैं, बहुत सारी वृद्ध महिलाएँ हैं, हम लोग बहुत परेशान हैं। इसीलिए हम लोग ये रात्रि पाठशाला किए हैं कि सरकार अपना ध्यान इस ओर आकर्षित करें कि हम लोग शहर में जाके यहाँ के लोग जीएम ऑफिस में प्रदर्शन करके अपना समस्या नहीं अवगत करवा सकते हैं, लोग उतने सक्षम नहीं हैं। तो हम लोग चाह रहे हैं कि अधिकारी यहाँ आए। हम लोगों ने अधिकारियों से बहुत रिक्वेस्ट किया, फ़ोन किया, लेकिन उनके द्वारा कोई रिप्लाई नहीं किया जा रहा है, फ़ोन नहीं उठाया जा रहा है। जनता त्रस्त है, अधिकारी मस्त हैं। जमशेदपुर के सोनारी थाना क्षेत्र अंतर्गत न्यू कपाली बस्ती इलाके में बन रहे सड़क पर पास की जमीन वाले बिल्डर के द्वारा आपत्ति एवं बस्ती के लोगों को धमकाए जाने के खिलाफ स्थानियों ने मरीन ड्राइव मुख्य सड़क को जाम कर घंटों प्रदर्शन किया। साथ ही बिल्डर पर कार्रवाई करने की मांग उठाई है। बताया जाता है कि इस बस्ती विधायक नीति ने सड़क बनवाया जा रहा था जिससे कि स्थानियों की समस्याओं का समाधान हो सके। इस बस्ती के बगल में एक बिल्डर के द्वारा जमीन खरीदा गया था और उस जमीन के पास से ये सड़क निकल रही थी। गुरुवार को बिल्डर के लोगों के द्वारा यहां पहुंचकर सड़क निर्माण कार्य को बंद करवाते हुए यहां के लोगों के साथ झगड़ा किया गया और उन्हें बंदूक दिखाकर डराया गया। इसके खिलाफ स्थानियों ने मरीन ड्राइव मुख्य सड़क को जाम कर दिया और घंटों सड़क पर प्रदर्शन किया। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पहुंची और पुलिस के पहुंचने से ही पहले बिल्डर के सहयोगी मौके से फरार हो चुके थे। पुलिस के द्वारा काफी मकसद और बातचीत के बाद सड़क जाम को खाली करवाया गया। साथ ही सड़क निर्माण के कार्य को भी शुरू करवाया गया। वहीं पुलिस ने स्थानीय को दोषियों पर कार्रवाई करने का भरोसा भी दिलाया है। के पास थे ऊपर में, वो धमकी चमकी लगा रहा था लेबर सबको, तो हमको सुनाई दिया तो हम आए ऊपर, तो मेरे को भी धमकी चमकी लगाने लगा कि तुमको मार देंगे, जान से मार देंगे, तुम लोग यहाँ क्या करने आया है। तो फिर आगे पीछे करके मेरे हस्बैंड आए, वो भी आए और अगल बगल का लोग भी आने लगे, तो फिर वो बोल रहा सबको तुम लोग को मार देंगे, तुम लोग को जान से यहाँ मार देंगे, तुम लोग का घर द्वार उजड़ा देंगे, तोड़वा देंगे, तुम लोग कहाँ जाएगा तो तुम लोग को पता नहीं। वो बिल्डर का बेटा था,
कौन सा कंचन सिंह? उसका नाम बता रहे ना, कौशल कंचन सिंह नाम है, पिता का नाम है श्याम सुंदर सिंह। ऐसी थोड़ी आएगा डर के मारे, वो कामे बंद कर दिया। इसके बाद हम लोग बोले कि हम लोग अभी तुम लोगों जितना मारना है गोली मारो, हम लोग यहीं पर ही है। तो वो धमकी चमकी देते हुए कार बाइक में निकल गया, बोलता हम आ रहे हैं तुम लोग को। पता किए थे लोग, सौ आदमी रोड पर था, बोला कि हम लोग सरकारी रोड पास हुआ बस्ती के लिए, कोई बिल्डर आके धमकी दिया कि गोली मार देंगे, रोड नहीं बनेगा। तो मैंने पता कि सरकारी रोड जब पास है तो रोड बनेगा ही, और इन लोग को मैं खड़ा होकर हम लोग शांति से रोड बनवा रहे हैं। ये विधायक प्रतिनिधि से पास है, विधायक प्रतिनिधि से पास है, सरदूल राय कपाली बस्ती। ऐसे नाम बता रहा, लिखित आवेदन देगा तो उसको जाँच करेंगे कौन विरोध दे रहा है, कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। अब तो इन लोग को हम लोग मौके पर ऐसे सुन के आए, हाँ सड़क भी जाम किया, हम लोग रोड खाली करवा दिए, काम चालू रहा शांति से। जमशेदपुर प्रखंड मुख्यालय में स्थित 1000 मैट्रिक टन का बन रहे गोदाम का निरीक्षण करने पहुंचे प्रमुख रविंद्र नाथ सिंह और पंचायत समिति सदस्य, वहीं साथ में बीडीओ मलय कुमार भी मौजूद रहे। प्रखंड मुख्यालय में स्थित 1000 मैट्रिक टन का बन रहे गोदाम का निरीक्षण करने पहुंचे प्रमुख रविंद्र नाथ सिंह और पंचायत समिति सदस्य, वहीं साथ में बीडीओ मलय कुमार भी मौजूद रहे। वहीं निरीक्षण के दौरान प्रमुख पंचायत समिति सदस्यों ने कहा कि भवन निर्माण में काफी अनियमितता की और घटिया काम हो रही थी, गुणवत्तापूर्ण काम नहीं हो रही है, हम लोग इस मामले को उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं। राशि दिया नहीं गया है और मजदूर भी क्या रेट दिया जा रहा है इसका भी कुछ उल्लेख नहीं किया गया, इसलिए पता नहीं चल रहा कि मजदूर को भी सही रेट दिया जा रहा कि नहीं जा रहा। जो भी मेटल यहाँ पर लग रहा है, लोहा लग रहा, जो भी ईंटा पेटा लगा है, सब हम लोग निरीक्षण किए तो यही देख रहे हैं कि जो है कि गुणवत्तापूर्वक कार्य नहीं हो रहा है। जो गोदाम है इसमें हजारों टन अनाज का संग्रहण किया जाएगा और इस कार्य से लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अनाज के भार से वो उसका फाउंडेशन ही दब जाएगा। अच्छा, मिट्टी फिलिंग हो रहा है लेकिन उसका कंपेक्शन नहीं किया जा रहा है। प्रखंड के बाउंड्री के ईंट को ही तोड़ के बिछा दिया गया है और जो है उसी के ऊपर में 1.5-2 इंच का ढलाई किया जा रहा है, PCC किया जा रहा है। तो ये बेहद ही घटिया निर्माण है और इसके जेई को जिस विभाग से बन रहा है उसको बोला गया कि आइए निरीक्षण करने के लिए, तो अभी तक वो आए नहीं है आज तक वो निरीक्षण करने के लिए। काम से संतुष्ट हैं आप लोग? नहीं, हम लोग काम से संतुष्ट नहीं है। ये विभागीय मिली भगत से ठेकेदार के द्वारा इसका लूट खसोट का ये बनाया गया है और ये लूट खसोट चल रहा है। जाँच होना चाहिए, जाँच एकदम उच्च स्तरीय जाँच होना चाहिए। जमशेदपुर के सिविल सर्जन कार्यालय में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें आम लोगों को तमाम मुक्त रहने वाले और उसमें योग की भूमिका पर कई टिप्स दिए गए। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने इसका लाभ उठाया। इस बात इसकी जानकारी देते हुए जिले के सिविल सर्जन ने कहा कि 21 जून को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाना है और तमाम मुक्त शरीर करने के लिए योग अति महत्वपूर्ण होती है। इन्होंने कहा कि योग की अलग अलग पद्धति होती है, साथ ही से मुख्य मनुष्य अपने कार्य क्षेत्र में भी तनाव मुक्त रह सकते हैं। इस कार्यशाला के माध्यम से इसकी जानकारी सभी को दे दी गई। कार्यशाला के दौरान सभी को स्ट्रेस मैनेजमेंट से जुड़े कई टिप्स दिए गए हैं जिन्हें अपनाकर लोग तनाव मुक्त जीवन व्यतीत कर सकते हैं। कल योगा दिवस मनाया जा रहा है, उसी सिलसिले में लोगों में गोष्ठी की आयोजन की गई है कि अपने जिंदगी में योग और कर्म को कैसे मिला के चले। हर जिंदगी में, हर लोगों के जिंदगी में कहीं ना कहीं तनाव ग्रस्त है, उसी पे स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए भी कुछ योग होती है, कुछ सोचने का तौर तरीका होता है। इसी के लिए हम लोग आज स्ट्रेस मैनेजमेंट एट वर्क प्लेस, या कह सकते हैं कि कार्य स्थल पे हम अपने को कैसे तनाव रहित करें और उसमें हम अपने को कैसे चेयरफुल रखें, योग का पार्ट है। अपने को जैसे बहुत जगह लाफिंग क्लब होता है, व्हाट इज दैट, वो एक है कि आप अपने स्ट्रेस के माहौल से बाहर निकले, उस क्षण को आप भूलिए जो आपके लिए तनावपूर्ण है। जमशेदपुर के बोडाम प्रखंड के ग्रामीणों ने क्षेत्र में हाथियों के आतंक से बचाव की समुचित बचाव और मृतकों के आश्रितों को मुआवजा दिए जाने की मांग पर जिला मुख्यालय प्रदर्शन किया, साथ ही जिले के ऊपर से कार्रवाई की मांग की है। भाजपा अनुसूचित मोर्चा के अध्यक्ष ने
इस प्रदर्शन की अगुवाई की है। आपको बता दें कि बोडान क्षेत्र दलमा पहाड़ से सटा हुआ है और यहाँ पर हाथियों का आतंक देखने को मिलता है। हाथियों के द्वारा कई ग्रामीणों को कुचल दिया जाता है और वन विभाग के द्वारा इसके बचाव के उपाय ग्रामीणों तक नहीं पहुँचता है। इन्होंने कहा कि हाथियों से बचाव के लिए बम और टॉर्च आदि ग्रामीणों को उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, जिस कारण से ग्रामीणों की मौत हो जाती है। साथ ही साथ जो ग्रामीण हाथियों के शिकार हुए उन्हें आश्रितों की मुआवजा राशि प्रदान नहीं हो पाई है। प्रदर्शन के उपरांत इन्होंने जिले के उपायुक्त को मांग पत्र सौंपते हुए कार्रवाई करने की मांग उठाई है। हम लोग बोड़ाम मंडल से जो भी सटे हुए जो पहाड़ से सटे हुए गांव के लोग हैं ग्रामीण, वो आज डीसी साहब के पास में आए हैं। हमारा उनसे निवेदन यही करने के लिए आए हैं कि बीते दिन बहुत सारे लोग मर गए हाथी द्वारा, बराबर जंगल से हाथी गांव में घुस रहे हैं और लोगों को मार रहे हैं, तो उसके वजह से उनको मुआवजा के लिए भी और उनके जीवन रक्षा के लिए आज हम लोग जिस हिसाब से ये निवेदन करने आए हैं कि जो वन विभाग द्वारा जो सुविधा दिया जा रहा है वो सुविधा सही रूप से ग्रामीणों को उपलब्ध नहीं हो रहा है, जिस वजह से ये सब घटना घट रही है। तो आज हम लोग जिस हिसाब से मांग करने के लिए आए हैं कि वो ऐसे पदाधिकारियों को ये निर्देश दिया जाए कि जितने भी ग्रामवासी वहां रह रहे हैं उनकी सुरक्षा के लिए जो बम टॉर्च ये सब जो सुविधा है वो सब उपलब्ध कराए, जिससे उनको सुरक्षा मिले। और साथ ही जो लोग वहां पर मर रहे हैं उनके भी परिवार की रक्षा एवं उनके परिवार को जो उनका मुआवजा है वो भी दिया जाए। मुंबई के बोरीवली में आयोजित मिस इंडिया एशिया पैसिफिक 2019 का खिताब जीतकर जमशेदपुर शहर पहुंची डॉक्टर रमेता प्रफुल्ला का जोरदार स्वागत किया गया। जमशेदपुर बिजनेस वुमेन्स के नाम से जाने जाने वाली डॉक्टर रमेता को शुभकामनाएं देने के लिए भाजपा के जिला अध्यक्ष दिनेश कुमार के साथ सैकड़ों लोग उनके सिद्धगोड़ा फ्लैट में पहुंचे थे। यहां दिनेश कुमार ने उन्हें गुलदस्ता देकर बधाइयां दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस मौके पर यहां डॉक्टर रमेता ने केक भी काटा, उनके परिवार के सदस्यों के साथ खुशियां साझा की। आपको बता दें कि मुंबई के बोरीवली में 14 से लेकर 16 जून तक मिस इंडिया एशिया पैसिफिक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें देश भर के विभिन्न राज्यों से कई महिलाएं ने शिरकत ली थी। कई चरण के प्रतिभागियों के साथ यहां डॉक्टर अमिता का चुनाव विजेता के रूप में हुआ है। सारे हैं वो जमशेदपुर को मात्र औद्योगिक नगरी के रूप में जानते हैं। यहाँ पर कला के क्षेत्र में हो या फैशन डिजाइनिंग के क्षेत्र में हो या मॉडलिंग के क्षेत्र में बहुत सारे प्रतिभावान लोग हैं। और विशेष रूप से रमिता के बारे में बोलना चाहूँगा, ये जमशेदपुर के और अपने राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जी के क्षेत्र में निवास करती हैं। काफ़ी दिनों से प्रयास कर रही थी, बहुत सारे नए टैलेंट्स को इन्होंने मौका भी दिया और बहुत सारे टैलेंट्स ने अच्छा परफॉर्मेंस भी किया। जब इनको स्वयं को अवसर प्राप्त हुआ तो ये अच्छा करके आई हैं और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में इतना अच्छा प्रदर्शन करने के पश्चात इंडिया एशिया पैसिफिक के तौर पर अब भारत को रिप्रेजेंट करने वाली है। तो हम सभी लोग की ओर से इनको बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं और आने वाले दिनों पर इनके उज्जवल भविष्य की हम सभी लोग कामना करते हैं। जमशेदपुर शहर में गुरुवार को मानसून की पहली बारिश शुरू हो गई। दोपहर शाम आसमान में काले बादल छा गए, जिसके बाद शहर में झमाझम बारिश शुरू हो गई। आपको बता दें कि जमशेदपुर शहर का तापमान पिछले दिनों 45 डिग्री चले गया था और इससे लोगों का जीना दुर्लभ सा हो गया था, क्योंकि केरल में मॉनसून समय अनुसार प्रवेश नहीं किया था। इस कारण से शहर में पिछले दिनों प्रचंड गर्मी हुई थी। गुरुवार को शहर में पहली प्री मॉनसून की बारिश हुई, उसके बाद जमशेदपुर में दोपहर 3 बजे के बाद आसमान में काले बादल छा गए, जिसके बाद पूरे शहर में झमाझम बारिश शुरू हो गई। लगभग 1 घंटे से ज्यादा समय तक हुए इस बारिश ने लोगों को भीषण गर्मी से राहत दिला दी। जमशेदपुर के भाजपा बारेडी मंडल की ओर से सिद्धगुड़ा के 10 नल बस्ती में वोटरों का आभार प्रकट किया गया। भाजपा नेता और कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों का आभार प्रकट किया गया। यह आभार लोकसभा चुनाव में बीजेपी को भारी मत करने को लेकर किया गया है। साथ ही सभी कार्यकर्ता रघुवर दास जिंदाबाद एक बार फिर से रघुवर सरकार का नारा बुलंद किया गया। भाजपा नेता कार्यकर्ता बस्ती के घरों में बुजुर्गों को एक गुलाब का फूल देकर बीजेपी को वोट करने के लिए आभार जताया। भाजपा नेता अखिलेश चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री रघुवर दास के आदेशानुसार बस्ती के लोगों को लोकसभा में बीजेपी की भारी मत देने को लेकर आभार करने को कहा गया था, जिसको लेकर बस्ती के सभी लोगों का आभार व्यक्त किया गया है। इन्होंने दावा किया है कि इस विधानसभा चुनाव में अब की बार 65 बार और एक बार झारखंड में फिर रघुवर सरकार।
और यह हम आपको बता दें जमशेदपुर के सामाजिक संस्था माई कंट्री माई फैमिली के द्वारा एक अनोखी पहल की गई है। इसके अंतर्गत शारीरिक रूप से अक्षम एक मरीज के घर पर पहुँच कर उनका आयुष्मान कार्ड बनवाया गया और अब उस मरीज का इलाज इस योजना के तहत मुफ्त में हो पाएगी। वैसे इस योजना को लेकर लगातार संस्था के द्वारा अभियान चलाकर लोगों को इसके प्रति जागरूक किया जा रहा था। बताया जाता है कि उलड़ी क्षेत्र का एक युवक पिछले दिनों सड़क दुर्घटना का शिकार हो गया था और उनके परिवार को आयुष्मान भारत योजना की जानकारी नहीं थी, जिस कारण से उन्हें कर्ज को लेकर इलाज करवाना पड़ रहा था। इसकी सूचना जैसे ही संस्था को मिली तो उनके द्वारा युवक के घर पर ही गोल्डन कार्ड बनवाए जाने की व्यवस्था की गई और अब इसके तहत और आगे 5 लाख तक की स्वास्थ्य सेवा मुफ्त में योजना के तहत उपलब्ध होगी। वहीं संस्था के अध्यक्ष ने कहा कि लोगों को ये प्रयास करना चाहिए कि अधिक से अधिक लोग तक इस योजना की जानकारी पहुंचवा सके ताकि इलाज की कमी से किसी की मौत ना हो सके। माई कंट्री इज माई फैमिली बैनर तले आज हम लोग जागरूकता अभियान चला रहे हैं और उस अभियान के अंतर्गत हमारे बस्ती उलड़ी खानका में एक बच्चा जो मंजीत कुमार है उसका रोड एक्सीडेंट में उसके पैर में बहुत बड़ा फ्रैक्चर हो गया, तो हमने MGM लेके गए थे उसके परिवार, तो MGM में वहाँ इलाज नहीं होने के कारण उन्हें TMH में ले गया गया, जहाँ पर एक भारी भरकम खर्चा आया और पूरा कर्जे के पैसे से इनका इलाज हुआ। अगर लेकिन इन लोग का सबसे बड़ी बात ये जागरूकता कमी होने की वजह से इनको नहीं मालूम था कि इनका राशन कार्ड के अंतर्गत ये 5 लाख के आयुष्मान भारत के लाभुक हैं। तो जब मुझे पता चला तो मुझे लगा कि सबसे पहले इनका वो जो प्रधानमंत्री का योजना है आयुष्मान भारत, उसके अंतर्गत इनका झारखंड सरकार द्वारा जो योजना चलाई जा रही है राशन कार्ड, उसका हम लोग आज रजिस्ट्रेशन करा दे रहे हैं घर पे ला कर उनका, और लोगों से ये विनती कर रहे हैं खास करके समाज के जान अच्छे लोग समाज के जागरूक होगी, आप लोग अपना बना चुके हैं कोई भी सरकारी चीज़ को, जब आप लोगों को एहसास होता है कि आप लोग बनाए तो अगल बगल में देखिए बहुत से लोग हैं अगल बगल वाले बना चुके होंगे लेकिन ये नहीं देखते कि हमारे बगल वाले लोग बनाया है कि नहीं बनाया। हम लोग भविष्य में चाहेंगे जब इनके साथ ऐसा कोई हादसा होता है तो उससे वो कार्ड यूज करें, ना कि कर्जा ले लोगों से। तो आज के लिए बस इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।